17 जून को नगर निगम में निर्माणाधीन सदन भवन का और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत बनाए गए ठेला खुमचा पटरी दुकानदारों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निरीक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर एक तैयारी बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के गेस्ट हाउस में सम्पन्न हुआ। बैठक में नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुरुवार को नगर निगम परिसर में आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी पटरी व्यवसायियों के लिए लगाए गए टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण के साथ ही महानगर में सफाई के लिए नगर निगम द्वारा मंगवाई गई कॉम्पैक्टर गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा 24 करोड़ रुपए से बन रहे नए सदन भवन का भी निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, दो बजे बैठना कर्फ्यू था, आप लोग बोले हेल्प करने के लिए तो हम लोग सामने लगवाना सर जी आगे पीछे कर लो क्योंकि जब नीचे आ जाए बढ़िया जो मैं अगर 3 लाख बता रहे कर रहा है ना ऐसा ना सर, अब ये गाड़ी निकलवाते हैं ऐसे चलेंगे ऐसे ये सामने से घूम जाएगी ऐसे ऐसे घूम जाएगी। हाँ तो वो खुल जाता है सेटर दोनों मंच पर अगर ना रहे दिखाने के बाद तब वहाँ आएंगे तब उसके बाद ये आएंगे दिखा देंगे पहले मुझे तक ना जाए तो ये मुझसे कहे कि आप मंत्री जी कल दिनांक 17 तारीख को नगर निगम परिसर में आएंगे और जो टीकाकरण का उनके द्वारा अभियान चलाया गया है पटरी व्यवसायियों को उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन भी यहां पर टीकाकरण में भाग लेगा। ये सब चीज़ें ज्वाइंट रूप से होगी, उसका मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ हमारी बहुत सी सफाई करने वाली गाड़ियाँ कॉम्पैक्टर आया हुआ है उसको भी हरी झंडी दिखाकर हरी झंडी दिखाएंगे और सफाई व्यवस्था बेहतर करें। मुख्यमंत्री जी ने पैसे दिए हैं 4.5 लाख रुपये हम लोगों ने खर्च करके उसे मंगाया है। नगर आयुक्त साहब के निर्देशन में वो जल्दी काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जी जो नया सदन भवन 24 करोड़ में मुख्यमंत्री जी के बनवा रहे हैं उनके सौजन्य से बन रहा है उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं और आवश्यक सुझाव दे सकते हैं। ये 2-3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर है 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा ये चलेगा। नगर निगम अपने स्तर से पूरी तरह तैयारी कर चुका है, टीकाकरण तेज गति से चल रहा है और आज 168 लोगों का यहाँ पर टीकाकरण कराया है। नगर आयुक्त साहब, मैं और उनकी टीम, हमारे उप सभापति जी सब लोग आए हैं कि हम लोग निरीक्षण कर लें। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को देखते हुए हम लोगों ने निरीक्षण किया है और सब सुचारू रूप से मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर चल रहा है, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आज बहुत ही अच्छा लगा 168 लोगों का एक साथ टीकाकरण हुआ।